इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर के प्लस, रेट में कम क्वालिटी में दम। इंदौर में डीवीपी पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने निजी कॉलेज को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज पर पैसों की मांग करने के आरोप लगाने के साथ गड़बड़ी करने के आरोप भी लगाए। इंदौर का विश्वविद्यालय एक बार फिर राजनीतिक अखाड़े के रूप में देखा गया, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रेडियंट कॉलेज में की जा रही फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुलपति से मुलाकात भी की और कॉलेज के द्वारा की जा रही गड़बड़ी की शिकायत भी की। मकसद तो उनका क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन वो जो केस लेकर आए थे वो एक केस था कि एक रेडियंट कॉलेज जो है वहाँ पर कुछ जो जिन बच्चों ने टीसी मांगी थी उन्हीं बच्चों को फेल किया गया है और उनसे कुछ पैसे मांगने का दबाव बना रहे हैं। अब करना तो चाहिए, लेकिन उस समय एक मॉब मेंटेलिटी होती है, उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने खुद कहा कि आप गाइडलाइन, कोरोना भी गया नहीं है, गाइडलाइन का पालन कीजिए। पुलिस के लोग भी खड़े थे, पर उस समय एक मॉब मेंटेलिटी होती है तो उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो उन बच्चों को खुद सोचना चाहिए और नेताओं को भी सोचना चाहिए। नहीं, अगर इस तरह की उन्होंने ताला लगाने की कोशिश की, जो मेरी जानकारी में अभी नहीं है, आएगा तो ये गलत बात है, ऐसे कैसे ताला लगा सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब छात्र संगठन छात्र हित के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इससे पहले भी छात्र संगठन ने कई बार छात्रों की समस्याओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। अब देखना होगा डीएवीपी प्रबंधन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।